महिला हॉकी के बादशाह खिलाड़ी आज अपनी धरती पर यानी कि शाहबाद मारकंडा में पहुंचेंगे, जहां पर पूरी तरह से ढोल नगाड़े और बैंड बाजों के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। कप्तान रानी रामपाल के पिता ने कहा कि लड़कियों को बोझ न समझे, लड़कियां खेलना चाहती हैं, उन्हें खिलाना चाहिए। लड़कियां आज हर फील्ड में आगे हैं। हॉकी कप्तान रानी रामपाल के लिए घर पर स्पेशल राजमा चावल बनाए जाएंगे, क्योंकि कप्तान रानी रामपाल को राजमा चावल और दाल सब्जी सबसे ज्यादा पसंद है, इसीलिए उसके लिए स्पेशल डिश बनाई जा रही है। बड़ी खुशी की बात है जी, हमें जी आएंगे बच्चे घर पे लौट के, हम अच्छे तरीके से उनका स्वागत करेंगे। तीनों बच्चा है जी, बड़ी खुशी है इस चीज़ की। तो क्या कुछ तैयारियां की गई है उनको लेकर जी? जी बहुत कुछ कर रखा है जी, उनके स्वागत करेंगे अच्छे तरीके से स्वागत करेंगे उनका, और अस्सी पड़ोसी भी आएंगे जी, तो अच्छी तरीके से स्वागत होगा जी। हम कमन पसंद के खाना बनाएगा जी, जो खाते हैं जो चाहते हैं जी, सिंपल खाना है उन्होंने, कोई ऐसे वैसे तो खाना। खाने में क्या कुछ पसंद है जिनको? खाने में दाल सब्जी जो मर्जी बना दें उनके लिए, पर वो ज़्यादातर राजमा चावल के शौकीन हैं जी। बस हाँ जी, ढोल निगारों से करेंगे, ढोल भी बजेगा, लड्डू भी बांट लेंगे, स्वागत करेंगे आएगा अच्छी ढंग से। हम तो ये संदेश देते हैं कि लड़कियों को पढ़ाओ लिखाओ, जैसा भी हो, जिस गेम में मर्जी लड़की खेलो, हम खेलने से भी आगे बढ़ने दो उनको, लड़कियों को रोको मत जी। कहते हैं लड़कियों को बोझ ना समझो, पहले बोझ समझो थे, अब लड़कियां लड़के से कम नहीं है। ठीक है वो जी, वैसे तो 7 बजे तक वक्त दे रखा उन्होंने जी, पर देखो लेट सेट भी 1/2 घंटा आपका पीछा भी हो सका, उस चीज के बारे में कोई कंफर्म नहीं कह सकता। ठीक। वही दूसरी खिलाड़ी के परिजन ने कहा कि उनकी बेटी को गुलाब जामुन स्पेशल पसंद है, और 7 बजे शाहबाद की धरती पर हॉकी के खिलाड़ी पहुंचेंगे और उनके स्वागत के लिए बैंड बाजे ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। बहुत खुशी है जी, बच्चे बहुत अच्छा गेम खेल के आए हैं और 7 बजे के करीब पहुँच जाएंगे यहाँ। उसके बाद शहर में बहुत खुशी का माहौल है जी, और ढोल बजेंगे, बैंड बजेगा और फूल मालाएं पढ़ाई जाएंगी, सब कुछ फर्स्ट क्लास होगा जी, लड्डू लड्डू बांटे जाएंगे। तो लगभग कितने बजे तक जो है पहुंचने का अनुमान? पहुंचने का 6:30 या 7 भी बज सकते हैं जी, जीटी रोड का काम है, रश भी हो सकता है, नहीं जाम भी लग सकता है वो टाइम का। तो हमारे बच्चे ऐसा है कि कोई स्पेशल खाने का उसका कुछ नहीं, जो उसको दे दिया वही खाएगा। कुछ फेवरेट डिश उनकी जी? फेवरेट डिश तो यही है जी, अपना चावल खा लिए, दाल खा लिए, ये बस उसका खास नहीं। तो उसी का माहौल है जी, डिश में वो गुलाब जामुन खाती है जी, बस ये याद आ गया कि स्पेशल उसके लिए गुलाब जामुन चाहिए उसको जी। हाँ, हमारे परिवार में कभी भी ये सोचा नहीं लड़का या लड़की, जो भी है उसी कॉलेज में उसी स्कूल में पढ़ाया गया, और जैसा लड़के को करते हैं लड़के से ज़्यादा लड़कियों को करते हैं हमारे परिवार में। तो लोगों को क्या संदेश देना चाहिए बेटियों को? लोगों को संदेश यही है कि बच्चे देखो लड़कियां खेल रही हैं, आप अपनी लड़कियों को खड़ाओ, कोई भी गेम खड़ाओ और खुशी से खड़ाओ, अच्छे कोच पे खड़ाओ। सतनाम सिंह, खबरनामा हरियाणा के लिए शाहबाद से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट।